नेक्स्ट टॉपिक है हीट पंप और प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर भी। हीट पंप क्या होता है? ऐसा डिवाइस जो हीट को ट्रांसफर करेगा एट लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। रिवर्स वर्क करना पड़ेगा हमको इसमें, ठीक है। चीज़ें वही होती हैं इसके अंदर भी। हमारे पास सिंक होता है एट लो टेम्परेचर, यस और नो? कितना था टेम्परेचर इसका? T2। यहाँ पे क्या होता था? वर्किंग सब्सटेंस। यहाँ पे क्या था? सोर्स ऑफ हीट, सोर्स ऑफ हीट एट हाई टेम्परेचर T1। अब इसमें प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा। अभी जो पहले हीट इंजन में हीट रिजेक्ट होके सिंक के पास गई थी, अब वो हीट क्या कर रहा है? रिवर्स प्रोसेस के अंदर सिंक को दिया जाएगा। कौन सी हीट थी? CO2। इस प्रोसेस के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा। अभी पहली कंडीशन में वर्क डन बाय द सिस्टम था कि ऑन द सिस्टम था? अभी हीट इंजन में बाय द सिस्टम वर्क हुआ था अभी, या सर नो? अब ऑन द सिस्टम वर्क किया जा रहा है, और बाकी जो हीट थी वो कहाँ पे ट्रांसफर हो गई? Q1 हीट एट हाई टेम्परेचर T1 के पास में। रिवर्स प्रोसेस भी आपको क्या करना है? सेब से हीट को बाहर निकालना है। सेब का हीट कम है वे, उसको बाहर निकालना है, सराउंडिंग को देना है। इसका हीट क्या है? ज़्यादा है। इसका टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या है? ज़्यादा है। ट्रांसफ़र करवाना है लो से हाई टेम्परेचर के ऊपर। ये काम कौन करता है? रेफ्रिजरेटर में। उसमें वर्किंग सब्सटेंस कौन सा होता है? जो गैस उसके अंदर घूमती रहती है, इट इज़ अ वर्किंग सब्सटेंस। में वो कौन सी है? CCl2F2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बोलते हैं उसको, CCl2F2। जो ये काम करती है कि अंदर की हीट को सराउंडिंग में छोड़ देती है। सराउंडिंग क्या है इसका? सोर्स है। सिंक क्या है? जो आपने उसके अंदर रखा है कूलिंग करने के लिए, वो क्या है आपका? सिंक। समझ में आया? कर पाओगे? तो आपको क्या करना है? सिंक से हीट लेना है और कहाँ पे भेजना है? सराउंडिंग को भेजना है, अभी सोर्स को भेजना है। इस प्रोसेस के लिए हमको वर्क करना पड़ेगा अभी, ठीक है। तो लिख लीजिए क्या होता है रेफ्रिजरेटर। एक बार लिखो, इट इज़ ए डिवाइस यूज्ड फॉर कूलिंग द थिंग्स, ठीक है। डायग्राम हो चुका था आपका, कूलिंग द थिंग्स। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हीट पंप या रेफ्रिजरेटर। इसमें भी तीन चीज़ें होती हैं। लिखिए, पहला पॉइंट है सिंक गिव हीट Q2। सिंक गिव हीट Q2 एट लो टेम्परेचर T2। सिंक गिव हीट Q2 एट लो टेम्परेचर T2 टू द वर्किंग सब्सटेंस, टू द वर्किंग सब्सटेंस। ओके, इसको दे रहा है वर्किंग सब्सटेंस। अब वर्किंग सब्सटेंस के ऊपर क्या हो रहा है? इस प्रोसेस के लिए काम किया जा रहा है अभी। सो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम। ये काम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में एक मोटर लगा होता है अभी, जो वर्क इसको वर्क के इसके ऊपर वर्क किया जाता है अभी, ये गैस को घुमाने के लिए। कर लोगे तो वर्क की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव मिलेगी ऑन द सिस्टम। कर लोगे कि नहीं? आगे लिखिए, वर्किंग सब्सटेंस गिव हीट Q1 टू द सोर्स। एट हाई टेम्परेचर T1। किस पे काम किया जा रहा है? एट हाई टेम्परेचर T1 पे। समझ में आ रहा है? यस आर नो? तो देखिए अभी, अब ये इस पूरी प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ होगा? W = D W =
बताओ कैसे करोगे, कितना हीट रिजेक्ट करना है Q2, यस और नो? Q2 लेना हीट किससे, सिंक से, कहाँ देना है Q1, इस प्रोसेस के लिए कितना वर्क करना पड़ा, कैसे निकालोगे? Q2 माइनस Q1, पहले में किया हुआ था वर्क डन बाय द सिस्टम, यस और नो? तो Q1 माइनस Q2 सब उल्टा प्रोसेस चल रहा है, यस और नो? अब देखिए जो वर्क है ना W, इसको W बोल सकते हो, ये ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम? अभी तो क्या लिखोगे, वर्क डन ऑन द सिस्टम। इस कंडीशन में आपका W किसका होता है, माइनस का होता है, यस और नो? तो जो आंसर होगा W का, ये W तो है सिंबल चेंज के साथ है, तो माइनस W सकता हूं इसको, क्या आएगा Q2 माइनस Q1, यस और नो? माइनस कॉमन निकाल लो या माइनस अंदर ले जाओ इसके, तो W इज इक्वल टू कितना हुआ, Q1 माइनस Q2, आंसर तो वही आ रहा है भाई, चीज तो वही करनी है बट इन रिवर्स प्रोसेस पे, सही है कि नहीं है? फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या था, DQ इज इक्वल टू DU प्लस DW, यस और नो? तो कितना हीट ये तो रहा DQ, U कितना भाई साइक्लिक प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट होता है U, क्या होता है कांस्टेंट, तो DU कितना होगा, जीरो, DU इज इक्वल टू जीरो। तो कितना हीट रिजेक्ट, कितना हीट हुआ था, ये निकाल चुके हम लोग, ये रे सारा कंप्लीट पूरा प्रोसेस ये था, माइनस W इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, माइनस Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू जीरो, माइनस W ऑन द सिस्टम, ये कर लिया हम लोगों ने काम सारा यहाँ पे, यस और नो? तो मेरा कितना आंसर आया है, Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू W, ये तो जीरो हो गया अभी, ये था ये चीज़ यहाँ पे कर लो, Q2 माइनस Q1 इज इक्वल टू जीरो माइनस W, यस और नो? मैंने वहीं पे कर लिया इसको, कर पाओगे? तो दिस इज द वर्क डन बाय द मोटर ऑफ रेफ्रिजरेटर टू रिजेक्ट द हीट फ्रॉम सिंक टू सोर्स, कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये एफिशिएंसी की तरह होता है, ठीक है? व्हाट इज एफिशिएंसी, क्या था, कुछ याद है एफिशिएंसी क्या था, कितना वर्क डन का इंजन ने किया उसके लिए कितनी हीट की जरूरत पड़ी थी, यस और नो? W बाई क्या था, Q1, यही था ना, कितना वर्क किया कितना हीट का जरूरत पड़ा। अब यहां पे क्या लिखोगे, इसको एक वर्ड इसे लिखते हैं ईटा, भी क्या होता है ईटा, आपने कितना हीट निकालना है, फ्री तो वही अच्छा है जो ज्यादा हीट निकाल सके, भी कितने वर्क के ऊपर, भी समझ में आ रहा है? फ्रिज अच्छा कौन सा, जो कम से कम टाइम में क्या कर दे, कूलिंग कर दे, भी वही अच्छा फ्रिज, यानी जो कम से कम टाइम में ज्यादा हीट निकाल दे वही फ्रिज अच्छा, यस और नो? तो कैसे लिखोगे इसको, लिखो लिखिए, इट इज द रेशो ऑफ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिमूव पर साइकिल, टू अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम, भी टू वर्क डन, क्या लिखवा था, अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो इसको लिखते कैसे हैं, कितना हीट बाहर निकालना था हमको, Q2, यस और नो? और कितना यूज किया था उसके लिए वर्क डन, W, भी उल्टा ही लग रहा है आपको चीज, पहले में इंजन अच्छा कौन सा जो ज़्यादा काम दे आपको, फ्रिज अच्छा कौन सा ज़्यादा हीट निकाल ले, उल्टा भाई बिल्कुल, यस और नो? फ्रिज अच्छा कौन सा जो ज़्यादा हीट निकाल दे, और इंजन अच्छा कौन सा जो ज़्यादा काम दे भी आपको, तो काम पहले उसका ऊपर था, हीट नीचे था, जो ज़्यादा हीट निकाले हीट इसका ऊपर है, काम इसका नीचे है, यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ W भाई, निकाल चुके हैं, ईटा इज इक्वल टू क्या आएगा, Q2 बाई Q1
Q1 माइनस Q2 भी सही लिखा है, W की वैल्यू हम निकाल चुके हैं अभी। एनी प्रॉब्लम क्लास? दिस इज द कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ हीट ऑफ रेफ्रिजरेटर, सही है। अब ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा मॉडिफाइड करते हैं, इस फार्मूले को कैसे करेंगे देखिए। ईटा तो लिखा मैंने, मैंने पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को मैंने Q1 से डिवाइड कर दूं, कैसे करेंगे देखिए। Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू सॉरी डिवाइड बाई Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1 भी। क्या लिख सकता हूँ ऐसे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों से को Q1 से डिवाइड कर दिया, यस और नो? तो किसके बराबर हुआ भाई, Q2 बाई Q1 1 माइनस Q2 बाई Q1 सही लिखा है, यस और नो? ठीक है, इसको इतना ही रहने देते हैं अभी, क्योंकि एक रिलेशन आएगा, अभी आया नहीं है आपको, मैंने इन्होंने पहले करवा दिया टॉपिक, इसलिए थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको। इतना हो गया अभी कंप्लीट, रब कर दें इसको। एक रिलेशन होता है भाई, ये लिख देते हैं, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1 भी लिख दो फ्रॉम Carnot साइकिल भी। अभी नेक्स्ट टॉपिक यही है हमारा, Carnot साइकिल। ठीक है, क्या होता है, Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, इंटरम ऑफ टेम्परेचर लिखना हो तो कैसे लिखोगे, ईटा इज इक्वल टू, ये टॉपिक यहाँ मेरा पूरा हो जाता है अभी। ठीक है, कितना कैसे लिखोगे इसको, T2 बाई T1 डिवाइड बाई 1 माइनस T2 बाई T1 भी। सॉल्व करें तो कैसा आंसर आएगा, T2 बाई T1 माइनस T2 भी। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेफिनेशन दिया, केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट जो बोलती है, तो लिखो भी क्या बोलता है ये, लिखिए, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए हीट इंजन which have 100% efficiency भी, which have 100% efficiency। कर लोगे सिंपल डेफिनेशन, ये इम्पॉसिबल है किसी हीट इंजन को डिजाइन करना जिसकी एफिशिएंसी कितना हो जाए 100%, ये इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट है। कर पाओगे सिंपल सी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है क्लेसियस स्टेटमेंट भी, इसने क्या बताया भाई, इसने बताया कि देखो सिंपल बताया इसने बातें, कि अगर हम बाहर से कोई वर्क ना करें भी तो ये इम्पॉसिबल है कि हीट ट्रांसफर हो जाए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में। हीट ट्रांसफर कहाँ से होती है, हॉट से कोल्ड में जाती है बिना वर्क करवाए, इट इज इम्पॉसिबल कि हीट ट्रांसफर हो जाए कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में, दिस इज सेकंड स्टेटमेंट। कुछ नहीं है, जब सब कुछ हम पढ़ चुके हैं चीज़ें, ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, इट इज इम्पॉसिबल टू डिजाइन ए सेल्फ एक्टिंग मशीन विच ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर विदाउट यूजिंग एनी
एक्सटर्नल एजेंसी भी, विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एजेंसीज। एजेंसी कौन सी है? बाहर से कुछ भी नहीं करना आपको भी, ठीक है। यानी अपने आप हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी के अंदर भी, यस और नो? उसके लिए आपको वर्क डन ऑन द सिस्टम करना पड़ेगा कि बाय द सिस्टम करना पड़ेगा? ऑन द सिस्टम। रेफ्रिजरेटर में ये तो किया था हम लोगों ने, कर लोगे? हाँ, ट्रांसफर हो जाएगी अगर आप बाहर से काम करवा सकते हो तो, बिना काम करवाए तो पॉसिबल नहीं है अभी। दिस इज द सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी, कंप्लीट इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्नोट थ्योरम भी। कार्नोट थ्योरम क्या किया कार्नोट ने? थ्योरम दिया अपने टॉपिक के बाद भी, कार्नोट साइकिल के बाद। उसने बताया भाई ऐसा कोई इंजन नहीं है जो मेरी जिस इंजन ने मैंने वर्क करवाया है उसी कंडीशन पे 100% बच नहीं दे दे भाई आपको। ऐसा कोई इंजन ही नहीं बना हुआ है जिस इंजन पे मैंने काम किया हुआ है उसी कंडीशन के अंदर वो क्या दे दे आपको 100% एफिशिएंसी दे दे। वो मेरा तो दे रहा है इस कंडीशन के साथ, ऐसा कोई इंजन नहीं बनेगा दूसरा ये दे सके भी, ठीक है। दूसरी बात ये बताई उसने कि जो एफिशिएंसी है भाई वो डिपेंड नहीं करती कि वर्क इन सब्सटेंस कौन सा यूज़ कर रहे हम लोग, क्योंकि जो एफिशिएंसी फार्मूला आता ना 1-T2/T1 था, उसमें कहीं भी वर्किंग सब्सटेंस का जिक्र नहीं किया गया अभी। T1 क्या था? टेम्परेचर ऑफ सोर्स, और T2 क्या था? टेम्परेचर ऑफ सिंक। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द वर्किंग सब्सटेंस, ठीक है। ये दो पॉइंट बताए इसने थे, तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम भी। अकॉर्डिंग टू कार्नोट थ्योरम पहला पॉइंट डालिए इसका, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर, वर्किंग बिटवीन टू गिवन टेम्परेचर T1 and T2, no engine can have efficiency more than Carnot engine. No engine have efficiency more than Carnot engine. इसने बताया कि अगर दो टेम्परेचर के अंदर काम करता हूँ मैं, T1 किसका था? सोर्स का था। T2 किसका था? सिंक का। इसने इसमें काम किया, ऐसा कोई इंजन नहीं है भाई जिसकी एफिशिएंसी मेरे इंजन से ज़्यादा हो जाएगी। यस सर नो? दिस इज द फर्स्ट थ्योरम भी, कर पाओगे? यस सर नो? सिंपल है। सेकेंड पॉइंट डालिए इसका, फर्स्ट पॉइंट ये था, सेकेंड पॉइंट देख लीजिए, एफिशियंसी ऑफ इंजन किसकी बात कर रहा है? खुद वाले की बात कर रहा है, कार्नोट इंजन की बात कर रहा है। एफिशिएंसी ऑफ इंजन डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस। ओके, इसे डिपेंड किस पे कर रहा था? T1 और T2 के ऊपर। डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ वर्किंग सब्सटेंस, ये था भी आपका कार्नोट थ्योरम में।